इट्स चॉकलेट टाइम, आज इसके बारे में बात करते हैं। सो हेलो, वेलकम टू न्यू वीडियो, आई होप यू गाइस डूइंग वेल। एंड जब भी हम लोग डोमिनोज के बारे में सोचते हैं तो फर्स्ट चीज पिज्जा, ठीक है, एग्जैक्टली। एंड उसने हमारे को एक और चीज इंट्रोड्यूस कराया था, वो है चॉकोलावर केक। एग्जैक्टली, एंड वो इंडिया में इतना सारा फेमस हो गया था कि हर बंदे ने बनाना चालू कर दिया सर। बट ऑब्वियसली द ओजी इज डोमिनोज, ठीक है। वैसे मेरे को ओजी वर्से नफरत है, बट स्टिल ओजी मेक्स सेंस, मेक्स सेंस, ठीक है। सो आज हम खाने वाले हैं नॉर्मल कोई चॉकोलावर केक नहीं, एक्सपेंसिव एंड सस्ता एंड फिर मीडियम, ठीक है। तो इट्स टाइम फॉर, अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको कराती है लेट, so it's time for eating some more chocolate my friends only for you guys। okay, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एंड अभी ये भाई साहब को बताएंगे कि ये चीप वाला कितने का है, बीच वाला मतलब मीडियोकर वाला कितने का है, एंड जो सबसे एक्सपेंसिव वाला चॉकोलावा केक है वो कितने का, भाई साहब प्लीज बता दो। okay, तो जो लोकल वाला है सबसे चीप वाला ये 70 रुपीज का है। फिर जो मीडियोकर है ये मोजो पिज्जा सा है 120 रुपीज का। okay. अभी सबसे एक्सपेंसिव चिली से है फॉर 420 रुपीज। ओके, तो 420 रुपीज बेसिकली आप लगा लो कि चार चॉकोलावा केक आपके आ जाएंगे। हाँ, अबाउट नहीं आ रहे। यस, डोमिनोज का एक कुछ 100 रुपीज का होता है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं हमारे चीप वाले को, और वो बैग में आता है। हाँ, चीप बैग में आता है, बट मीडियोकर सिया बॉक्स में आता है। सो जो चीप वाला है वो कितने का था मेरे को बताइए। ये चीप वाला था 70 रुपीज का। 70 रुपीज का है चीप वाला। एंड ये जो सा है ये बुरा नहीं है देखने में, बुरा तो बिल्कुल नहीं है, पर अच्छा ही दिख रहा है। यस, इसके ऊपर मतलब बहुत सारी चॉकलेट है, एंड जैसे एक चॉकोलावा केक होता है वैसे टाइप का है, परफेक्ट चॉकोलावा केक है। यस, अच्छी है। बट इसके अंदर ये जो था, हमने मतलब इसको ठंडा रिसीव किया था, तो वहाँ पर लिखा होता है डिस्क्रिप्शन में इसको हीट करें 25 सेकंड्स, बट देन अगेन यू नो इट्स लुकिंग लाइक चॉकोलावा। इसी पैकेजिंग भी अच्छी है, लाइक अच्छी है, गोल्डन एंड स्टफ, मतलब वैसे टाइप का, थोड़ा सा फैंसी टाइप का, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस वन, जो हमारा कौन सा वाला मीडियम का वाला है। यस, तो ये हमारा मोजो पिज्जा से, एंड दिस इज फॉर हाउ मच, 120 रुपीस। 120 रुपीस, ओहो, इस पे तो फॉइल क्या है, ऐसे डोमिनोज की है। ये प्रॉपर्ली ऐसे एक नॉर्मल चॉकलेट केक होता है वैसा है, तो ये वैसे टाइप का है। एंड इसके अंदर ऑब्वियसली ये सेम दिखता है डोमिनोज से, नहीं डोमिनोज थोड़ा सा डार्क होता है। ओके, एंड इसी चॉकलेट एक ज्यादा कंटेंड होती है, ऐसी थोड़ी निकली हुई है। नहीं, ये हमने भाई साहब इससे पहले निकाला था, तो ये तब निकाली थी चॉकलेट, ठीक है। तो ये है हमारा 120 रुपीस का, 120 रुपीस का। तो अभी ऑब्वियसली फर्क, यू नो व्हाट यू कैन सी एंड व्हाट इज लाइक व्हाट नोटिसेबल ओवर हियर इज दैट चॉकलेट कलर चेंज हो गया इजीली। यस, सो द डार्कर द चॉकलेट मतलब थोड़ी सी चीप होती है, मतलब जब आप चीप की तरफ जाओगे वैसे डार्क चॉकलेट होती है, बट इधर ये मिल्क चॉकलेट ज्यादा है। ओके, सो नाउ इट्स टाइम फॉर एक्सपेंसिव वन, एंड ये है 400 रुपीस का, 420 रुपीस इन फैक्ट। यस, तो 420, हां 420 स्पेसिफिकली, 420 420 ब्लेजर, ठीक है। तो इसके अंदर आपको मिलेगी साथ में कैरेमल सॉस, चॉकलेट सॉस। तो अगर आपको मतलब चाहिए सॉसी ज्यादा, ठीक है, तो ये हमारा चिलीज का, एंड ये बहुत फेमस है बाहर। हाँ, इंडिया में अब शायद से फेमस है स्पेसिफिकली। हाँ, ये ठीक है, तो ये है। ओए होए होए, ये लग रहा है एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव लग रहा है, और ये हमने बहुत पहले एक बार खाया होगा, ठीक है, झूठ नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोल रहे, हमने खाया नहीं यार, हम इसको निकालेंगे, सरप्राइज ऐड नहीं कर सकते ऐसे करके, हाथों से तो चिपक गया तो अजीब ही लग रहा है। ओके, तो हमें कट लेना पड़ेगा यहाँ पर, हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं प्लेट के अंदर। ओके ओके, तो बड़े सारे हमने औजार होंगे उसके अंदर से, हमने ये सिलेक्ट करा है क्योंकि और किसी चीज से लग नहीं रहा था निकलेगा, इजीली निकल जाएगा। ओके, तो हम कोशिश करते हैं इसको निकालने के इसके अंदर से। एंड ये है हमारा 400 रुपए का, 420 का, सॉरी 420 का चॉको लावा मॉल्टिंग केक। ये लो, मॉल्टिंग केक निकल गया, निकल गया। तो ये है हमारा मॉल्टिंग केक, और ये तो यहाँ चिपक गया वाकई, ठीक है। तो इसको हम निकालने की कोशिश करते हैं, ये रहा हमारा केक। सो ये लग रहा है एक्सपेंसिव, ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है ये लग रहा है। एंड ऑब्वियसली लाइक 400 के हिसाब से मुझे लग रहा है कि इसमें बन जाएंगे चार चॉको लावा केक, तुझे क्या लगता है? मे बी, आई थिंक मे बी, हो सकता है मे बी। इसकी शेप अच्छी है, बहुत वोल्केनो टाइप का, या ऑब्वियसली लाइक यू नो दे आर लाइक यू नो प्रमोटिंग दिस थिंग एज जैसे वोल्केनो, या ऑन थीम से चॉको लावा केक, चॉको लावा केक। तो ये लग रहा है, बाकी सबका ऐसा होता है वो ऐसे चॉकलेट अंदर से ऊज आउट करती है वैसा वाला। तो इसके बाद जो दो चीजें भी दी हैं वो हम तब डालेंगे जब हम उसकी तरफ खाएंगे इसको, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद चीप वाला, एंड खाते हैं फर्स्ट हमारा चीप वाला केक, लेट्स ट्राई दैट। ओके, सो इट्स टेस्टेस्ट टाइम, एंड अभी हम स्टार्ट करने वाले चीप वाले से, जो है 80 रुपीज कितने का, ये 70 रुपीज का, ठीक है। तो भाई साहब एक एक चम्मच खाते हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूं, बड़ा अच्छा है। सो इट्स क्वाइट गूई, ठीक है, ये वाला उनसे थोड़ा गूई टाइप का है, एंड लेट्स सी कैसा है ये वाला, लेट्स ट्राई चीप वाला। माय गॉड, सो गुड। 70 का तो बिल्कुल नहीं है, लाइक इन केस इट इज, यू कांट टेल इट 70 रुपीस, 70 रुपीस तो बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि डोमिनोज का ऐसे काफी क्लोज लग रहा है। इन फैक्ट आई से बेटर मे बी, या बेटर मुझे नहीं पता, कि डोमिनोज मुझे खाया बहुत टाइम हो गया। डोमिनोज के साथ दिस वन थिंग दैट थोड़ा क्रस्टी ना, एक अच्छा लगता है, एक चीज है, बहुत क्रिस्पी, लाइक यू नो फ्रॉम द टॉप लेयर एंड देन इट्स गेट गूई लाइक इन द सेंटर एंड समथिंग लाइक दैट। ये बहुत अच्छा है, मतलब 70 रुपीस का, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गूई,
एंड क्वांटिटी इज क्वाइट मोर देन एनफ एस्पेशियली फॉर वन पर्सन बहुत स्वीट है इट्स गुड मतलब मुझे अच्छा लगा तुझे कैसा लगा बहुत ज्यादा अच्छा लगा आउट ऑफ 10 हाउ मच आई थिंक आई कैन गिव 10 परसेंट खाया नहीं बट 8 आई थिंक 8 अभी हां मेरे लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है सो ये अच्छा था चीप वाला जो था 70 रुपीज का सो अभी हम कितने जंप मार रहे भाई साहब हम 70-720 जा रहे हैं मतलब 50 रुपीज की जंप ऑलरेडी हमने मारने वाले हैं 50 रुपीज की जंप एंड देखें 50 रुपीज में क्या डिफरेंस आता है एंड ये इसका थोड़ा सा कलर है ना ये थोड़ा सा लाइट है इस वाले से लाइटर है सो नाउ लेट्स ट्राई दिस वन जो है 120 रुपीज का एक बार मैं पहले चम्मच ले लेता हूँ मेरे भाई एंड ये इसके अंदर थोड़ी चॉकलेट जो होती है थोड़ी कम है इसमें बहुत ज्यादा मोल्टन चॉकलेट है उसके अंदर ज्यादा है कोई बात नहीं वैसे नहीं तो हम वैसे ही सही चॉकलेटी बॉय कहीं से तो बन जाए कहीं से तो सही मैं तो लगता है शायद बॉय नहीं हूँ बट ये है तो ये बॉय बन सकता है मैं बॉय ही हूँ ठीक है मतलब बॉय मतलब मैन बॉय मैन मैन कोई एडल्ट मैन एडल्ट मैन 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 हो ठीक है तो ये वाला नुस्खा है ये नुस्खा है स्वीट है बट अच्छे से बैलेंस्ड है I don't prefer this one. I think you like less sweet stuff and I like बहुत ज़्यादा मीठा इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा अब मैं बताता हूँ ये चीज क्वालिटी ऑफ चॉकलेट है जब पता नहीं चलेगा बट जब आप ये खाओगे तो आपको अच्छा ये क्वालिटी में एक इंटर की डिफरेंस एक्चुअली काफी ज्यादा है तो अभी के हिसाब से फॉर मी दिस वन इज विनिंग फॉर मी अभी वाला स्टिल चीप वाला ओके सो नाउ लेट्स ट्राई हमारा जो सा है ये वाला सबसे महंगे वाला तो इसके साथ आपको मिलती है चीजें ठीक है कैरमल भी है राइट कैरमल भी है ठीक है तो कैरमल भी पसंद है नफरत है टॉफी या कैरमल मतलब सेम चीज है ठीक है तो पहले हम डालेंगे इस पर कैरमल बोला तो उन्होंने कैरेमिल ही था निकल रहा अच्छे से निकल गया ये कैरेमिल आ गया ओके अब अच्छा लग रहा अब और भी सुंदर हो गया कैरेमिल आ रहा आ गया ठीक है फाइनली तो ये हमारा कैरेमल है जो हमने इसके ऊपर डाल दिया है एंड अब हम डालेंगे चॉकलेट सॉस क्योंकि ऑब्वियसली चॉकोलावा मॉल्टन केक है सो ऑब्वियसली चॉकलेट बनती है घर पे यू प्रोड्यूस योरसेल्फ यस ऑफ कोर्स ठीक है एंड बाहर इसके ऊपर साथ में लिखा था आइसक्रीम भी मिलती है ओ ये क्या हो रहा है ओ शिट वो निकल नहीं आता इतनी ज्यादा ही निकल ओ माय गॉड वाओ ये तो वॉल्केनिक करप्शन है कौन सा एक्सेंट कहां गया ओ माय गॉड ओके तो ये हमारा हो चुका है सबसे महंगे वाला चॉको मॉल्टन चॉको केक और मेरे हाथों पे कैरेमल लगा हुआ है ओके कैरेमल ही नहीं बहुत सारा बहुत बहुत कुछ लगा हुआ है हाथों पे ठीक है ये है 400 ये 420 रुपीस का मतलब ये 300 रुपीस का जंप है आई बिलीव ओके 300 रुपीस का बेसिकली चार चॉको लावा केक डोमिनोज से सो पहले बड़ा भाई एक बाइट अपना वो ही बड़ा सॉफ्ट है यार यार ये एक अलग बात है हमेशा बड़ी बाइट इसकी बड़ी बाइट देख तू लियो ठीक है तू छोटी बाइट देता है वरना समझ नहीं आएगा क्या है देता और बीच में भी इसके चॉकलेट जैसे पूल ऑफ चॉकलेट इन द सेंटर ठीक है सो नाउ लेट्स ट्राई दिस वन तुझे क्या लग रहा है पहले बता आई थिंक ये विनर होने वाला और भी ऐसे ऐसे नहीं मतलब मैगी का ये क्या नहीं देखने भी अच्छा है लेट्स ट्राई एक सेकंड ये तो लेट्स ट्राई एक्सपेंसिव वाला चॉको लावा मॉल्टिंग केक है ना भाई है ना तो भाई तो चाहिए तो भाई आले खा ले वाओ ओह सो गुड ओके इसके अंदर एक चीज है जैसे बीच में से चॉकलेट नहीं है लाइक यू नो आपको चॉकलेट केक में से मिलेगी जैसे लाइक यू हैव टू पुट ओके एग्जैक्टली एंड वैसे टाइप का टेस्ट तो वही आ रहा है ना है बेसिकली वही चीज है बट लाइक एग्जांपल के लिए इनसाइड आउट टाइप का एक एक और बैठ एक भाई खा ले खा ले आजा खा ले नहीं आई ऑलरेडी वाइम नॉट ईटिंग अभी मेरे दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट है अभी देखो मुझे लग रहा है तब भी जिससे जीतने वाला है आई फील ये तब भी जीत मुझे मुझे बताता हूं मुझे क्या लगा इसके अंदर ये केक बहुत ज्यादा अच्छा है ठीक है टेस्ट में बिल्कुल भी ज्यादा स्वीट नहीं है एंड बिल्कुल ज्यादा मतलब मीठा टाइप का नहीं है ऐसे यू नो ये दोनों थे ना ये वैसा नहीं है चॉकलेट आल्सो वेरी गुड या एग्जैक्टली ऑफ कोर्स अब इतना बड़े जंप में क्वालिटी है कैरेमल का मुझे कोई टेस्ट आ नहीं रहा तो भी नहीं बिल्कुल तो अभी हम डिसाइड कर लेते हैं भाई साहब पहले आप डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा केक पसंद आया और फिर मैं डिसाइड कर लेता हूं मुझे कौन सा मेरा वोट तो अभी क्लियर है कौन सा है ओ माय गॉड सॉरी पर मैं वोट उसको ट्रेडर अब मुझे कौन सा अच्छा लगा ये वाला ठीक है
जो भी केक है ये अच्छा है आज ये वाला हार गया हाँ, तो ऐसा नहीं है कि बुरा बिल्कुल नहीं था अच्छा है yes, अच्छा है बट ऑब्वियसली ये जैसे 70 रुपीस का एंड देन ये 400 का है तो ये बहुत डिफरेंट है तो आज की वीडियो में इतना ही भाई साहब लोग जाने से पहले क्या करना है बहुत बोले लोग हैं प्लीज इनको बता दो अपने जाने से पहले लाइक करना शेयर करना कमेंट करना सब्सक्राइब करना फिर बेल आइकन दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन आए एंड आप और ऐसे ऐसे कंपैरिजन से अलग वीडियोस देख सको अगर आप उसको सैंडल से देखोगे तो आपको एक केक नहीं दिखेगा ये आपको कुछ और दिखेगा केक तो नहीं लग रहा जिसके अंदर कुछ हो गया है ठीक है ये कुछ वैसा लग रहा है ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही आई होप यू गाइस एंजॉय वाचिंग दिस वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसने आपको बता दिया आपको क्या करना है आई सी यू गाइस सून विद अ कूल वीडियो फिर से बता रहा हूँ क्यों बोल रहा हूँ पता नहीं कीप नॉर्मिंग एंड टिल देन बाय